हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। आज की जो मेरी रिएक्शन वीडियो है वो मौलाना तारिक जमील साहब के एक बयान के ऊपर है जो कि पेरेंट्स से रिलेटेड है। जो मेरी लास्ट रिएक्शन वीडियो थी वो भी मौलाना तारिक जमील साहब के ही एक बयान पे थी जो अगेन पेरेंट्स से ही रिलेटेड था। तो आज का जो मेरा वीडियो है उसका टाइटल है एक बाप का दर्द भरा वाकया। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें एक पेरेंट सॉरी एक फादर जो है उन्होंने अपना कुछ ऐसा इंसिडेंट डिस्क्राइब किया है जिसमें कुछ उनके साथ में बहुत बुरा हुआ हो, जिसमें उन्होंने अपना दर्द बयान किया है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कीजिए। और इसका मैंने अपना इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दिया है। तो चलिए आप बिना वक्त ज़ाया किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक बद्दू आए, एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह मेरा बाप मेरे माल को खर्च कर देता है, मुझसे पूछता नहीं है। तब उनको बुलाओ उसे। उनको जब बुलाया गया तो उसने पूछा क्यों बुला रहे हैं? कहा तेरे बेटे ने शिकायत की। तो उनको इतना दुख हुआ, उन्होंने चंद अशार पढ़े दिल ही दिल में, जबान पे नहीं दिल ही दिल में, और मजलिस में आ गए। जब पहुँचे दरबार रिसालत तो जिब्रील आए हुए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला कह रहे हैं इसका मसला बाद में सुने, इससे कहें वो शेर सुना जो तूने बेटे के गिले में कहे हैं, पर अब तेरी जबान से अदा नहीं हुए पर तेरे अल्लाह ने सुने। तो आपने उससे फरमाया अच्छा भाई तेरी गलत मैं बातें सुनूंगा, तू पहले मैंने शेर सुना। उनका अशहद वन्ना का रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ आप अल्लाह के रसूल हैं। या रसूल अल्लाह मैंने दुख में चंद अशआर जबान से नहीं दिल ही दिल में दोहराए थे और आपके रब ने अरशों पर सुना, वाकई आपका रब भी सच्चा और आप भी सच्चे। आपने कहा क्या कहा था? कहा मेरे बेटे जिस दिन तू पैदा हुआ हमने उस दिन अपनी जात के लिए जीना छोड़ दिया, हमने तेरे लिए जिंदगी का सफर शुरू किया, तुझे ठंडी छांव में बिठाने के लिए गर्म हवाओं से लड़ा, तुम्हें ठंडी हवाओं से बचाने के लिए बर्फानी रातों में काम किया, तेरी एक मुस्कुराहट देखने के लिए सारी सारी रात तड़पा, सारी सारी रात अपने आप को कोहलू के बैल की तरह अपनी सारी जवानी का रस निचोड़ के तेरी हड्डियों में डाल दिया, मैं बूढ़ा होता गया तू परवान चढ़ता गया, मेरी कमर झुक गई तेरी कमर उठ गई, मेरी टांगों से जान निकल गई तेरी टांगें मजबूत हो गई, मेरे हाथ कांपने लगे तेरे हाथ मजबूत हुए, मैं लड़खड़ाने लगा तू इतराने लगा, तो मुझे ख्याल आया कि जैसे मैं इसके लिए धक्के खाता था, इसकी जिंदगी की दुआएं मांगता था, इसके लिए तड़पता था, चलो आज मेरा ये सहारा बनेगा। लेकिन जब तुझमें जवानी की लहर दौड़ी और मुझे बुढ़ापे ने खा लिया, जब जवानी में तुझमें रंग भरा और बुढ़ापे ने मेरे रंग छीन लिए, जब जवानी तुझे सीधा किया बुढ़ापे ने मुझे टेढ़ा कर दिया, कमर झुका दी तो एकदम तू मुझे ऐसे घूर के देखने लगा, तेरी आंखें माथे पे चढ़ गईं और तू मुझे यूं देखने लगा जैसे मैं नौकर हूं तू बाप तू मालिक। तो मैंने अपनी 30 साल जिंदगी को झुटला दिया कि हाँ हाँ मैं बाप नहीं हूं मैं नौकर, ये मेरा सरदार है, अगर ये बेटा होता तो यूं तो ना करता, इसने मेरी रातों के तड़पने को भुलाया, मेरे गर्मी सर्दी से लड़ने को भुलाया, कोलू के बैल की तरह मेरे चक्कर काटने को भुलाया, अपनी खुशियों को दफन कर दिया अपने सीने में, कब्रिस्तान बना दिया अपने सीने को अपनी ख्वाहिशात का और अपनी खुशियों का, और आज तू मुझसे ऐसे बात करता है जैसे मैं नौकर हूं और तू मेरा आका है। अच्छा मेरे बेटे मैं नौकर सही तू सब, पर मैं तेरा पड़ोसी तो, बंदा पड़ोसी से पूछ ही लेता है क्या हाल है, कोई जरूरत तो नहीं, इतना ही पूछ लेते। देखो मैं आज रो रहा हूं, ये बड़े दर्दनाक अशआर हैं, मेरी उर्दू में इतनी वसत नहीं है कि मैं इन अशआर का दर्द समो सकूं उर्दू के अल्फाज में,
लेकिन इतना बताता हूं कि मेरे नबी रोते रोते हिचकी लग गई, इतना रोया। रात में उस बच्चे के गरबान को यहां से पकड़ कर दफा हो जा, मेरी नजरों से दूर हो जा, अंत व मालू का ले अभी तेरा सब कुछ तेरे बाप का है, यही बाप आज तुम्हारे हाथों जलील हो रहे। अगेन बहुत ही खूबसूरत बयान है मौलाना तारिक जमील साहब का, और जिस हिसाब से वो अपने हर एक बयान को पेश करते हैं वो बहुत ही खूबसूरती के साथ में मतलब पेश करते हैं और उसे एक्सप्लेन करते हैं। इसका पर्पस जो मुझे फील हुआ है वो यही है कि बिकॉज वो भी खुद चाहते हैं कि हम सब बच्चों को वो ये चीज़ बताएं कि हम लोगों को अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देना चाहिए, वो हमारे पेरेंट्स हैं, आज हम जो भी हैं सब कुछ पेरेंट्स की वजह से ही हैं। बिकॉज क्या होता है कि जब हम लोगों से भी गलतियाँ होती हैं जब हम छोटे थे, तो मतलब सब बच्चे करते हैं और पेरेंट्स क्या कहते हैं, चल कोई नहीं छोड़ यार, कोई गल नहीं, बच्चा है, होगी गलती। पर क्या होता है कि जब हम बड़े हो गए, मैच्योर हैं, हम लोगों ने बहुत खूबसूरत घर बनाया, उसमें बहुत एक्सपेंसिव हम लोगों ने शो पीसेस भी लगाए हैं, बाय मिस्टेक अगर पेरेंट्स से गिर जाता है, टूट जाता है, तो हम लोग एकदम से उन लोगों को ना उसका बताना स्टार्ट कर देते हैं कि ये कितना एक्सपेंसिव था। हम बोलते हैं कि ये तो इतने का था, आपने तोड़ दिया ये वो, और कभी कभी कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो उनके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। इस सो के यार हम लोगों ने भी छोटे होते बहुत चीज़ें तोड़ी हैं, बहुत गलतियां की हैं जिन्होंने उन्हें जिन गलतियों को उन्होंने जस्ट इग्नोर कर दिया। क्या हो गया अगर पेरेंट्स बुढ़ापे में अच्छे से वॉक नहीं कर पा रहे हैं, या वो दे आर नॉट एबल टू गो टू द लू टू द वॉशरूम, और अगर हम लोगों को वो बोलते हैं कि हम उन्हें हेल्प करें, तो हम दिस इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ देम। क्या होता है कि बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि क्या है यार, यहीं पे पी कर रहे हैं या कुछ भी है, अगर कोई लोग बहुत ही ज़्यादा बीमार हैं और वो लोग बेड पे ही पी कर देते हैं या कुछ, तो बंदा चिढ़ जाता है कि क्या बेड गंदा हो गया, दिस इज़ दैट, तो ठीक है बिकॉज दे आर हेल्पलेस। कभी कभी होता है ड्यू टू इलनेस या ड्यू टू द एज फैक्टर वो लोग नहीं वॉक कर पा रहे प्रॉपरली, ठीक है यार जो मैट्रेस है वो नया आ जाएगा, लेकिन पेरेंट्स जो फेस में हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनकी टेक केयर करें। ये मेरी सबके साथ ही ये मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करो। अभी रिसेंटली मैंने अपने फादर इन लॉ को खोया है, ही पास्ड अवे, तो आई कैन अंडरस्टैंड, हम लोग उनके साथ में नहीं रह रहे थे बिकॉज वी बोथ आर वर्किंग, तो हमेशा कभी भी कुछ होता था ना पापा का सबसे पहले यही कहना होता था कि बेटा कुछ भी चाहिए तो हमें बताना, डोंट एवर थिंक कि अगर आप लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत है और आप लोग बैठ के सोच रहे हो कि कैसे करें या डिस्टर्ब हो रहे हो या आपस में आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, नहीं, वी आर हेयर फॉर यू, कभी भी किसी भी ज़रूरत की चीज़ होगी ना, वी आर जस्ट वन कॉल अवे। तो हमेशा वो बोलते थे मतलब किसी भी चीज़ की है, बेटा टेंशन क्यों लेनी, तुम असी बैठे हैं ना, तुम सानू फ़ोन करो, असी मिनट च आ जाएंगे, मीन्स वेदर इज़ फाइनेंशियल और सम यू नो सम अदर हेल्प वी नीड, तो वो हमेशा रेडी रहते थे हमारी हेल्प करने के लिए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और इसमें भी उन्होंने ये मेंशन किया है कि जब पेरेंट्स अगर ओल्ड एज में हैं तो ऑब्वियसली दे वॉन्ट बी एबल टू वॉक प्रॉपरली, दे वॉन्ट बी एबल टू ईट प्रॉपरली, तो दिस इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उनकी टेक केयर करें। ये नहीं कि उनसे बाय मिस्टेकल कुछ गलती हो गई है, कुछ टूट गया है या समथिंग, उन्होंने हमारा कुछ ले लिया है, यार हम लोग भी तो छोटे होते थे, उनसे इतना पैसा लेते थे, आज जो हम जो भी बने हैं उनसे ही पैसा ले लेके, इवन जब हम जॉब भी करना स्टार्ट कर देते हैं उस टाइम पर भी क्या हमारी हैबिट होती है कि मम्मा 10 रुपये दो, पापा 20 रुपये दो, 50 रुपीज़ दो, कुछ भी छोटी चीज़ के लिए, चाट पकौड़ी खाने जाना है, डैडी चलो ये करवा दो, है ना। अगर ओल्ड एज में उन्होंने बिना हमारी परमिशन के हमारे पर्स में से या हमारे कहीं भी हमने जो पैसा रखा है हमारी सेफ में से कुछ पैसा ले भी लिया, तो क्या हो गया, आज हम जो भी बने हैं नो मैटर कि हम आज डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं या कोई अच्छी रेपूटेड जॉब कर रहे हैं, वो सब उनकी वजह से, क्योंकि उन्होंने हमें अच्छी एजुकेशन दी, उन लोगों ने हमारे ऊपर पैसा खर्चा किया, इसीलिए हम आज जो भी बने हैं उनकी बदौलत बने हैं। तो प्लीज़ 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 प्लीज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, बिकॉज पेरेंट्स से बढ़ के कोई नहीं है, इवन भगवान भी अगर हम बोले, हमारे गॉड अल्लाह भगवान जी परमात्मा, वो सब भी बाद में आते हैं, पहले हमारे पेरेंट्स आते हैं। ठीक है, तो आज की मेरी वीडियो यहीं ख़त्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय।